नमस्ते एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन वर्चुअल रियलिटी एंड ऑगमेंटेड रियलिटी चलिए इसे समझते हैं ऑलराइट सो हियर इज द डिफरेंस बिटवीन ऑगमेंटेड रियलिटी एंड वर्चुअल रियलिटी चार बेसिक पॉइंट्स में हमने इसे कवर करने की कोशिश की है फर्स्ट थ्री पॉइंट्स आपके सामने में है वेल ऑगमेंटेड रियालिटी और वर्चुअल रियालिटी बेसिकली वर्चुअल वर्ल्ड क्रिएट करना ओवर द इंटरनेट या यू कैन से डिफरेंट टेक्नोलॉजीज को यूज करके चाहे उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही क्यों ना हो एंड द परपज इज ऑल अबाउट एंटरटेनमेंट परपज इज ऑल अबाउट ट्रेनिंग परपज इज ऑल अबाउट एडुकेशन परिएशन ना ऑगमेंटेड रियालिटी और वर्चुअल रियालिटी दोनों का अपना डिफरेंट एरिया है सबसे पहले अगर आप इसके डिफरेंस करने की बात करें सो ऑगमेंटेड रियालिटी जो होता है इट इज बेसिकली यू कैन से मिक्सचर ऑफ रियल वर्ल्ड एंड वर्चुअल वर्ल्ड कैसे ये मिक्सचर है रियल वर्ल्ड और वर्चुअल वर्ल्ड का एक वेबसाइट में आपको लेके चलता हूं वहां उसके एग्जाम्पल से आपको समझाता हूं नाउ ये एक वेबसाइट मैंने आपकी स्क्रीन पे ओपन की है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग हेल्प नाउ यहां पर देखिए ऑगमेंटेड रियालिटी का एक्सप्लेनेशन है माई पर्पज इज टू शो यू दिस इमेज अब आप ये इमेज देख रहे होंगे एक्चुअली क्या है ये आप टैबलेट यूज कर रहे हैं एक मोबाइल यूज कर रहे हैं सपोज दैट ये आपके घर का एक रूम है आपने कैमरा ऑन किया तो आपके घर का एक रूम दिखाई दे रहा है अब आपको एग्जाम्पल सोफा है तो जो मार्केटर्स है जो उस कंपनी जिस जो कंपनी सोफा क्रिएट कर रही है वो आपको इस टेक्नोलॉजी ऑगमेंटेड रियालिटी में इस सोफे को रियल में आपके कमरे में एडजस्ट करके दिखाएगी तो सोफा यहाँ पर क्या है इमेजिनरी है लेकिन जो

और जैसा मैंने आपको बताया पर्पज इज ऑल अबाउट ट्रेनिंग पर्पज इज ऑल अबाउट एडुकेशन इसे भी मैं आपको एक इमेज के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं

और आपके जो जिस तरह से आप आपकी बॉडी में फाइव डिफरेंट सेंसेस होते हैं सेंसर्स होते हैं तो वो सेंसर्स का भी इसमें इस्तेमाल किया जाता है इसे रियलिस्टिक अप्रोच देने के लिए या रियलिस्टिक फीलिंग देने के लिए नाउ द नेक्स्ट डिफरेंस इज कि जब आप ऑगमेंटेड रियलिटी की बात करते हैं तो बोथ रियल एंड वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स कैन बी डिस्टिंग मतलब ऑगमेंटेड रियलिटी में जो आपका जब आप कैमरे में देख रहे थे तो आपका जो रूम था वो आसानी से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते थे जब आप इमेजिनरी सोफा को उसमें एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे थे वर्चुअल रियलिटी में चूंकि आप पूरी तरह से वर्चुअल वर्ल्ड में ही होते हैं तो वहां पर रियल और वर्चुअल का डिफरेंस करना काफी मुश्किल होता है सिमिलरली ऑगमेंटेड रियालिटी की अगर आप बात करते हैं तो इसे अचीव करने के लिए हम स्मार्टफोन मतलब हमारे सिर्फ एक मोबाइल फोन या टैबलेट से ही हमारा काम हो सकता है लेकिन वर्चुअल रियलिटी को यू नो आप अगर आप इसे फील करना चाहते हैं या इसे अचीव करना चाहते हैं

लेकिन जब आप वर्चुअल रियलिटी की बात करते हैं तो इसका जो बेसिकली इस्तेमाल है वो ट्रेनिंग्स में है इसका जो इस्तेमाल होता है दैट इज बेसिकली इन और जैसे मैंने आपको बताया एडुकेशन में सो ओवरऑल दिस इज हाउ वी ऑल कैन अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन ऑगमेंटेड रियालिटी एंड वर्चुअल रियालिटी अगले सेशन में फिर से हम मिलेंगे नए चैप्टर नए सॉल्यूशन, नए कॉन्सेप्ट नए डिफरेंसेस के साथ में टिल कीप वॉचिंग माई चैनल वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू तो सब्सक्राइब एज वेल बाय बाय एंड टेक केयर